बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है क्लास 11th के लिए एंगुलर प्रोजेक्शन। कल हमने किया था प्रोजेक्शन और वहाँ पर हॉरिजॉन्टल पाथ में सभी चीज़ें निकाली थी। इट मींस जिसे हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज थी, मैक्सिमम रेंज निकाली थी हमने, ठीक है, मैक्सिमम हाइट निकाली थी उसके पास। उसके बाद हमने प्रोजेक्शन एलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी दोनों इक्वेशन सोल्व किया था। सिमिलरली हम अब की बार उसका बिल्कुल अपोजिट है। अब की बार हम क्या करते हैं, एंगुलर प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं, लेकिन वो एंगुलर प्रोजेक्शन है जो वो इस हिसाब से है कि हम वहाँ जो कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम थ्रो करते हैं क्या करेंगे, बॉटम से लेके टॉप की तरफ थ्रो करना है। लेकिन हम कल जो टॉपिक किया था वो टॉप से लेके बॉटम की तरफ थ्रो किया था, दोनों में ये डिफरेंस है बस। तो समझो एक बार, एंगुलर प्रोजेक्शन, एंगुलर प्रोजेक्शन, जब तो ये एंगुलर प्रोजेक्शन है, ठीक है, करना क्या है, हमने सिमिलरली जिसे कल की तय किया था, ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है और ये हमारे पास कोई हाइट है, ठीक है। हमने किया है कि ग्राउंड से लेकर के कोई भी ऑब्जेक्ट है हमने ऐसे अपवर्ड में फेंक दिया, कुछ देर के बाद क्या करेगा वो जमीन पे आके गिरेगा। अपवर्ड में से फेंकेंगे तो कुछ ये फॉर्म जाएगी इसके पास, ठीक है। तो क्या करेगा, जब हम यहाँ से जब फेंकते हैं तो इस ऑप्शन के थ्रू क्या करेगा, वो नीचे आके गिरेगा। तो हम कह सकते हैं मैक्सिमम हाइट कहाँ तक है उसके, यहाँ तक के लिए, तो इसका नाम हमने क्या रख दिया, एच। ये क्या उसके लिए मैक्सिमम हाइट। और ये जो गया है हमने कोई मान लिया कि ये किसी एंगल थीटा पर हम थ्रो करवा दिए, कोई एंगल थीटा आ रही है, ठीक है, किसी एंगल थीटा पर हमने क्या करवा दिया, उसको थ्रो करवा दिया। तो हम कह सकते हैं जो बेस के साथ एंगल बनेगा वो हमारे पास क्या, कोस थीटा, और जो हमारे पास वर्टिकल में वो क्या है, साइन थीटा। तो ये जब ऑब्जेक्ट फेंका हमने इसके लिए क्या, कोई ना कोई वेलोसिटी क्या है, यू। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, यू कोस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, कॉम्पोनेंट यू साइन थीटा। बात समझ आई, दोबारा फिर समझ लो, हमने किया क्या है, एक ग्राउंड हमारे पास, एक चीज हाइट है, हमने ऑब्जेक्ट लेकर के अपवर्ड में थ्रो कर दिया। जब हम ऑब्जेक्ट को अपवर्ड में थ्रो करते हैं किसी वेलोसिटी के साथ, वो वेलोसिटी हमारे पास क्या है, यू, इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी है। तो जो एंगल किसी एंगल थीटा के साथ जब उसको थ्रो करेंगे तो बेस के साथ एंगल क्या बनेगा, कोस थीटा, इसलिए कंपोनेंट यहाँ पर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या ड्रा होगा, यू कोस थीटा, और सेम एज इट इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट यहाँ पर क्या ड्रा होगा, यू साइन थीटा, और एच हमारे पास क्या है, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये यहाँ का जो टाइम स्पेंड है वो क्या है, स्मॉल टी, और यहाँ का जो टाइम स्पेंड है वो क्या है, स्मॉल टी। इसका मतलब क्या है, इंक्रीजिंग ग्राफ और ये क्या है, डिक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो हमारे पास टोटल टाइम क्या बनेगा कि टी प्लस टी इज इक्वल टू टू टी। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास टोटल टाइम क्या है, ये टी, या इसको कैपिटल टी लिख लो, ठीक है। तो इसको जब लिखोगे हमारे पास के टोटल टाइम टी, तो ये आ गया हमारे पास टू टी विल बी इक्वल टू कैपिटल टी, और स्मॉल टी विल क्या रहेगी, ऑलवेज टी बाई टू। क्लियर है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो हमारे पास जो टोटल टाइम हमारे पास क्या है, टी, ठीक है। तो देखो इधर हमने इक्वेशन पढ़ी है पहले, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन बाई टू ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम एक एक्स एक्सिस की तरफ एक वाई एक्सिस की तरफ दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो एक बार एक चीज देखो, यहाँ पे जब जिक्र आता है एक्स एक्सिस के लिए तो एस को किससे रिप्लेस करवाना है, स्मॉल एक्स से। जब वाई वाई वर्टिकल मैट्रिक्स वाई कंपोनेंट में जाएंगे तो एस को रिप्लेस करवाना है वाई से, ठीक है, और ए को किससे रिप्लेस करवाना है, स्मॉल जी से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो बेटा इसको याद रखना, जब हम हॉरिजॉन्टल में निकाल रहे हैं तो एस ऑलवेज इक्वल टू एक्स, जब हम निकाल रहे हैं वर्टिकल में एस ऑलवेज इक्वल टू वाई, और ए को हमने क्या लेना है, जी लेना है। अपवर्ड में जी नेगेटिव रहेगा और डाउनवर्ड में जी क्या रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो अब देखो हम निकाल रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, जब एक्स एक्सिस की तरफ निकाल के देखते हैं कंपोनेंट, तो एस किस रिप्लेस हो जाएगा, एक्स से एक्स लिख दिया। यू हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी किसके साथ है, यहां पर एंगल कोस थीटा के साथ। तो यहां लिखो यू कोस थीटा,
टाइम क्या है स्मॉल टी प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कितना है जी, इसको जी से रिप्लेस करवा दिया और जी कैसा है नेगेटिव और टी हमारे पास क्या है टाइम। बताइए समझ, एक बार दोबारा समझ लो, किसी बच्चे को समझ ना आया हुआ हो तो हमने किया क्या है इक्वेशन लिखी है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखा जाए तो रिजल्ट क्या है एस एलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का मतलब क्या है कि कुछ टाइम के लिए वो क्या है ओरिजिनल मूव करता है, ठीक है। तो एस रिप्लेस ऑलवेज एक्स, यू एंगल क्या है बेस के साथ कोस थीटा तो यू कोस थीटा, टी कंपोनेंट एज इट इज 1/2 एज इट इज, एक्सेलरेशन ऑलवेज के लिए नेगेटिव जब अपवर्ड में जाएगा, लेकिन यहाँ क्या अपवर्ड में नहीं गया पहले क्या गया हॉरिजॉन्टल में, तो यहाँ एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो इसे इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे जी ऑलवेज इक्वल टू जीरो। जब यहाँ पर जी को जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये रिजल्ट जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा प्लस जीरो कंपोनेंट और साथ में क्या टाइम फैक्टर टी, ठीक है। तो यहां से जब टी की वैल्यू निकालेंगे तो रिजल्ट हमारे पास है एक्स इज इक्वल एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, क्लियर है बेटा। दोबारा फिर समझ लो, जिस बच्चे को समझ ना आया वो एलोंग एक्स एक्सिस, जब एक्स एक्सिस की तरफ रिजल्ट को शो करते हैं तो हमारे पास क्या है एस किससे रिप्लेस हो जाएगा एक्स से, यू की वैल्यू क्या है यू कॉस थीटा, टी हमारे पास क्या है एज इट इज कंपोनेंट 1/2 एज इट इज, एक्सेलरेशन क्योंकि अपवर्ड में अब तक गया नहीं है, कहाँ है हमने मूव करवाया उसको हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टली हमारे पास क्या है जीरो, टाइम फैक्टर टी स्क्वायर, तो जीरो से मल्टीप्लाई करा हुआ तो ये फैक्टर कितना होगा जीरो हो गया, इसलिए इसको जीरो लिख दिया। और यहाँ है हमारे पास यू कोस थीटा टी, टी की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा एक्स यू कोस थीटा, ठीक है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आते हैं उनको साथ ही साथ लिखते जाओ, तो हमारे पास यहाँ पर टी की वैल्यू आई है वो क्या है एक्स अपॉन यू कोस थीटा, ठीक है। ये आया हमारे पास टी कंपोनेंट, टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कोस थीटा, ठीक है। अब निकालो एलोंग वाई एक्सिस, जब y एक्सिस का रिजल्ट निकालोगे तो s ऑलवेज रिप्लेस बाय y, ठीक है। u क्या हमारे पास u cos थीटा, ठीक है। t हमारे पास क्या है एक चीज देखो यहां पर क्या है y, y में क्या है sin थीटा, ठीक है। तो यहां पर क्या रहेगा u sin थीटा into t as it is plus 1/2 acceleration upward में क्या है जी, और अपवर्ड में जी क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या रहेगा नेगेटिव जी और टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, टी कंपोनेंट की वैल्यू क्या है यहाँ पर ये है एक्स अपॉन यू कोस थीटा, तो ये पुट करवा दो एक्स अपॉन यू कोस थीटा प्लस 1/2 नेगेटिव जी, और टी की वैल्यू क्या है एक्स अपॉन यू कोस थीटा, इसके लिए स्केयर, क्लियर है। हमने किया क्या है सिर्फ एक कंपोनेंट की वैल्यू है हमारे पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर, ठीक है। हमने किया क्या है x की से रिप्लेस करवाया y से और हमने तो लिख दिया s इज इक्वल टू y, u साइन थीटा की वर्टिकल में करता है तो u साइन थीटा, t कंपोनेंट एज इट इज 1/2 a हमारे पास क्या रिप्लेस बाय g और g यहाँ पर क्या नेगेटिव तो माइनस जी और टी स्क्वायर, टी की वैल्यू ये उठा के यहाँ पुट कर दो, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा वाई एज इट इज यू साइन थीटा, टी की वैल्यू हमारे पास क्या है एक्स बाई यू कोस थीटा प्लस 1/2 जी हमारे पास क्या वाई नेगेटिव जी, टी की वैल्यू क्या एक्स बाई यू कोस थीटा, ओपन कर दो उसको तो वाई विल बी इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कोस थीटा माइनस g x स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो u से u कैंसिल हो गया तो इसको लिखा जा सकता है y इज इक्वल टू x एज इट इज sin by cos tangent tangent थीटा माइनस, इसको हम लिख सकते हैं एक तरह से
जब यदि एक्स को बाहर निकाल दिया जाए तो इसको लिखा जा सकता है 1/2 जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और साथ में क्या है एक्स स्क्वायर। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर फॉर कंपोनेंट वाई। बेटा दोबारा समझ लो, किसी बच्चे को यदि समझ ना आया हुआ हो तो हमने निकाला क्या है वर्टिकल कंपोनेंट में वाई की वैल्यू को फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, देखो सेकंड इक्वेशन क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है यू साइन थीटा, टी फैक्टर एज इट इज 1/2, एक्सेलरेशन रिप्लेस बाय माइनस जी, टी स्क्वायर एज इट इज माइनस जी। ही हमने क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने बताया है अपवर्ड में जी की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, डाउनवर्ड में जी की वैल्यू क्या रहेगी पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर टी की वैल्यू पुट करवा दी, टी हमारे पास क्या है एक्स बाई यू कॉस थीटा, और ये भी क्या है एक्स बाई यू कॉस थीटा, स्क्वायर ओपन कर दो, यू से यू कैंसिल, साइन बाई कॉस टेंजेंट से रिप्लेस हो जाएगा, एक्स एज इट इज है नेगेटिव साइन क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव जी है, 1/2 जी सोल्व करो इसको, एक्स क्या हो गया इसको स्क्वायर हो गया, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, क्लियर है। आगे देखो हम निकाल रहे हैं मैक्सिमम रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है, टाइम ऑफ लाइट, ये सब चीजें निकालेंगे। तो देखो अब हम निकाल रहे हैं टाइम ऑफ लाइट, टाइम ऑफ लाइट आसानी से निकल सकता है। देखो हमने पढ़ा था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वो क्या था, v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, अब जो टाइम ऑफ लाइट है वो हमारे पास क्या है वर्टिकली, तो हम इसको लिखेंगे y कंपोनेंट, तो v नीचे सुफिक्स में y, इसका मतलब क्या है y कंपोनेंट के लिए निकाल रहे हैं u y प्लस एक्सेलरेशन, अपवर्ड में एक्सेलरेशन क्या है नेगेटिव, तो इसको लिखते हैं नेगेटिव z, t कंपोनेंट एज इट इज, क्लियर है। तो जब हम सोल्व करेंगे इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है जीरो, तो इसलिए तो हमारे पास साइन जीरो, ये क्या है यू साइन थीटा, यू वाई साइन थीटा नेगेटिव जी, और टी हमारे पास क्या किस रिप्लेस हो जाएगा कैपिटल टी वाई टू, तो इसकी लिख दिया कैपिटल टी वाई टू, क्लियर है। यू वाई को यहाँ पे लिखो यू वाई कैन बी रिटन एज यू, इसको यू से रिप्लेस करवाओगे तो यहाँ कितना हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी कैपिटल टी अपॉन टू। ठीक है, जी बाई टू को इधर ले आओ तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो कितना होगा ये जी टी बाई टू इज इक्वल टू यू साइन थीटा। ठीक है बेटा, एक बार दोबारा समझ लो, किसी बच्चे को समझ ना आया हुआ हो तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा हुआ है वो क्या होता है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जबकि वी हमारे पास क्या है फाइनल वेलोसिटी, यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी, ए क्या है एक्सेलरेशन और टी क्या है टाइम फैक्टर कंपोनेंट। जब वर्टिकल कंपोनेंट में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो v कैन बी रिटर्न एज y, u कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ y, a ऑलवेज रिप्लेस बाय माइनस g, t कंपोनेंट रिमेनिंग। ठीक है, तो u y हमारे पास वर्टिकल में क्या साइन कंपोनेंट, इसलिए इसको क्या कह दिया साइन थीटा माइनस g, और स्मॉल t ऑलवेज रिप्लेस बाय कैपिटल t / 2, इसको कैपिटल t / 2 से रिप्लेस करवा दिया। u y हमारे पास क्या है इनिशियल वेलोसिटी, वो हमने इसको लिख दिया u फॉर्म में, तो u sin थीटा माइनस g / t कंपोनेंट एज इट इज, तो z / t को इधर ले क्या हो गया u sin थीटा एज इट इज, यहां से t निकाल दो टाइम ऑफ लाइट का रिजल्ट आ जाएगा। देखो अभी जो ये रिजल्ट आया हुआ है g p / 2 इज इक्वल टू u sin थीटा, तो इसको लिख सकते हैं जी टी इज इक्वल टू 2u sin थीटा, टी इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया एक तरह से टाइम ऑफ ए फ्लाइट। ठीक है, दोबारा फिर समझ लो, किसी बच्चे को समझना है वो, तो हमने किया क्या है जी टी बाई टू इज इक्वल टू यू साइन थीटा,
जी टी इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा, यहां से टी निकालोगे जी कंपोनेंट्स के नीचे आ गया, तो ये हमारे पास क्या निकल गया ना, टाइम ऑफ ए फ्लाइट। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो बेटा, अपने कॉलेज के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद रेंज, ठीक है, कि हम इसके रेंज कैसे निकाल सकते हैं। तो रेंज के लिए हमारे पास क्या है, यू कंपोनेंट और यू साइन थीटा कंपोनेंट। तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, वही इक्वेशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन बाय टू ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब जो हमारे पास x एक्सिस है, y एक्सिस है, दोनों की वैल्यू आराम से पुट करवा सकते हैं और हम यहाँ से रेंज निकाल सकते हैं। या एक चीज़ से पहले चीज़ हम जो हाइट, हाइट निकालो पहले, क्योंकि रेंज रेंज हम दो फॉर्म में निकालेंगे, मैक्सिमम रेंज और उसके उस एक्चुअल में जो रेंज आई हुई है। तो पहले हाइट निकाल लो, क्योंकि हाइट के बाद और आसान रह जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है देखो, हाइट, अब हाइट को फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जब हाइट का जिक्र आता है तो जो डिस्टेंस है किससे रिप्लेस हो जाएगी, h से। तो s ऑलवेज रिप्लेस बाय h। तो हमारे पास u क्या है, साइन कंपोनेंट, ठीक है, t एज इट इज है, प्लस 1 बाय 2 a किससे रिप्लेस हो जाएगा, वही माइनस g के साथ, और t स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। तो h इज इक्वल टू u साइन थीटा, और वैल्यू क्या है, स्मॉल t। अब स्मॉल t की वैल्यू क्या आई हमारे पास, एक रिजल्ट आ गया, पहले कैपिटल t की वैल्यू लिखो यहाँ पे, कैपिटल t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g, ये टाइम ऑफ फ्लाइट आया है, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पर क्या है, t, जो स्मॉल t निकालोगे तो t बाई 2, इसका मतलब क्या है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, t की वैल्यू यहाँ पुट करते टाइम, u साइन थीटा अपॉन g, ठीक है, u साइन थीटा अपॉन g, नेगेटिव g बाई 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, t की वैल्यू u साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g, ठीक है। तो इसको सॉल्व करवाओ, h इज इक्वल टू u इंटू यू, कितना हो गया, u स्क्वायर साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g कंपोनेंट एज इट इज, माइनस एक g से g कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, g g स्क्वायर में है ना, तो एक स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। क्लियर है? अब तक देखो हमने किया क्या है, सिर्फ जो कंपोनेंट है u साइन थीटा, t हमारे पास क्या है, u साइन थीटा अपॉन g माइनस 1 बाय 2g, t की वैल्यू क्या है, u साइन थीटा अपॉन g। जैसे एक स्मॉल g से g कैंसिल, ये हमारे पास क्या एक तरह से रिजल्ट को देगा, जो कि ये इक्वेशन आई हुई है h के लिए, ठीक है। तो यहाँ से जो कॉमन है वो कॉमन निकाल दो, जो नहीं है वो रहने दो। तो देखो h इज इक्वल टू, कॉमन क्या है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g, ये हमने कॉमन रख लिया, यहाँ पर क्या है, 1 बाय 2, ठीक है, क्योंकि u स्क्वायर साइन थीटा g, u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2g, एक u स्क्वायर साइन थीटा g बाहर निकाले, यहाँ पर क्या रह गया, 1/2, ठीक है। दोबारा समझ लो, किसी बच्चे को यहाँ तक यदि समझ में ना आया हुआ हो, तो देखो हमने किया क्या है, हाइट के लिए h इज इक्वल टू यू साइन थीटा डॉट g इज इक्वल टू 1 + -1/2g, यू साइन थीटा एज इट इज, t की वैल्यू क्या हमारे पास, कैपिटल t, तो ये है, स्मॉल t निकालेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो u साइन थीटा अपॉन g माइनस 1/2g u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए तो u और u, u स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g, यहाँ एक g से g कैंसिल, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g बाहर रख लिया, 1/2। आगे देखो, इसको सॉल्व करवाओ, तो h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g 2 1/2, h आलिव इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g,
दिस इज रिक्वायर्ड आंसर फॉर कंपोनेंट ऑफ हाइट। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास तीन रिजल्ट हैं हाइट के लिए सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो इनको सोल्व कर लेना, बाकी हम कल करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।